अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट, हम चैप्टर 5 पोएम थैंक यू लॉर्ड की कॉम्प्रिहेंशन कर रहे हैं। आज हम करेंगे टेलिंग टाइम के, आपको क्लॉक में से इंग्लिश में टाइम कैसे बताना चाहिए। एनालॉग क्लॉक, एनालॉग कहते हैं उस जैसा, जैसे आपने आप रिस्ट वॉच हो आपकी या कोई क्लॉक हो, तो दिस इज एन एनालॉग क्लॉक फेस, ये बिल्कुल वैसा ही क्लॉक का फेस है। इसके ऊपर नंबर्स लिखे हुए हैं, द नंबर्स राउंड द क्लॉक फेस आर आवर्स। तो एक क्लॉक फेस के ऊपर 12 आवर्स होते हैं, आपने देखा होगा कि एक से लेके 12 तक इसके ऊपर नंबर्स होते हैं, ठीक है। द लाइन्स आर अराउंड द एजेस आर मिनट्स, इन बड़े नंबरों के दरमियान में, दो नंबरों के दरमियान 5 लाइन्स लगी होती हैं, तो ये मिनट्स की लाइन्स हैं। यानी देयर आर 60 मिनट्स मार्क्ड ऑन द क्लॉक, एक घंटे में 60 मिनट्स होते हैं और हर नंबर के दरमियान 5 जो मिनट्स होते हैं, 12 टू 1 5 मिनट्स होते हैं, और फिर इसी तरह 1 टू 2 5 मिनट्स होते हैं, 3 टू 4 5 मिनट्स होते हैं। तो इस तरह ये टोटल, जब बिग बैंड हैंड जो है वो क्लॉक का मूव करता है तो पूरा जब घंटा हो जाता है तो 60 मिनट्स जो हैं वो पूरे हो जाते हैं, ठीक है। इसी तरह स्मॉल हैंड पॉइंट्स टू द आवर्स, दो हैंड्स होते हैं क्लॉक के, एक स्मॉल और एक बिग। जो बिग हैंड है पॉइंट्स टू द मिनट्स, जो बिग हैंड है वो मिनट्स के लिए होता है। फोर क्वार्टर्स, इफ वी वॉन्ट टू स्लाइस द क्लॉक इन टू फोर इक्वल सेक्शंस, अगर हम क्लॉक को चार एक जैसे हिस्सों में तकसीम करें तो इसके चार क्वार्टर्स बनते हैं, यानी चौथाई हिस्से को क्वार्टर कहते हैं। तो ये चार हिस्सों में तकसीम हो जाता है, जैसे कि आप इसको देख रहे हैं। ईच क्वार्टर रिप्रजेंट 15 मिनट सेक्शन, हर क्वार्टर जो है वो 15 मिनट का सेक्शन होता है, और 15 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 60 आंसर है, यानी 15-15 मिनट्स के चार क्वार्टर एक घंटे में बनते हैं। व्हेन द बिग हैंड मूव्स फ्रॉम 12 टू 6 इट इज़ हाफ पास्ट द आवर, यानी जब हम देखते हैं कि बिग हैंड जो है वो मूव करता है 12 से 6 तक, तो ये हाफ पास्ट होता है। हाफ पास्ट का मतलब है कि एक घंटा, जैसे 4 है तो 4 तो पूरे हैं और उसके बाद हाफ एन आवर है, तो हम कहेंगे 4 हाफ पास्ट 4, या 4:30 4:30 या हाफ पास्ट 4, कि इसका मतलब है कि 4 के बाद आधा घंटा और गुजर चुका है। फिर है व्हेन द बिग हैंड मूव्स फ्रॉम द 9 to 12 इट इज़ क्वार्टर टू आवर, तो नेक्स्ट जो है घंटा पूरा होने में क्वार्टर रहता है, तो हम इसके आगे क्वार्टर टू आवर लगाएंगे। तो आधा हाफ जो है 12 से 6 तक वो पास्ट कहता है, तो इसमें भी दो क्वार्टर्स होते हैं, दो क्वार्टर मिलके हाफ बनाते हैं, और उसके बाद 6 टू 12 वाला जो है वो उसके आगे 2 लगता है। अब आप देखें ये क्वार्टर है, तो ये इस तरह से दो क्वार्टर राइट साइड पे जो है वो पास्ट उनके आगे लिखा जाएगा, और जो दूसरे दो क्वार्टर हैं 6 से जब हैंड मूव करेगा तो 2 आएगा। अब व्हाट टाइम इज इट, आप देखें कुछ एग्जांपल्स हैं, आप खुद से टाइम की प्रैक्टिस करें तो आपको ये मज़ीद वाज़े हो जाएगा। ये क्या है, आप देखें कि इसमें जो बिग हैंड है जो ब्लू कलर का है वो 3 पे है, और जो शॉर्ट हैंड है रेड कलर में वो 7 पे है। तो इसका मतलब है कि 12 से 3 एक क्वार्टर पूरा हो चुका है, और ये हम लिखेंगे 7:15 के 7:15 हो चुके हैं, यानी एक चौथाई हिस्सा गुजर चुका है घंटे का, या हम कहेंगे 7:15 के 15 मिनट्स गुजर चुके हैं 7:00, या अगर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 7:15 के 7:15 इसको पढ़ेंगे। नेक्स्ट है, आप खुद से इसको प्रैक्टिस करें, आप देखें कि बिग हैंड 9 पे है और शॉर्ट हैंड जो है वो 11 से थोड़ा सा पहले है। हमने ये पीछे पढ़ा था कि 6 के बाद जो हाफ है उससे 2 लिखते हैं, तो ये हम करेंगे 11:15 के 11
11 बजने में एक क्वार्टर है, 15 मिनट रहते हैं, या हम इसको लिखेंगे 10:45 ओ क्लॉक और 11:15 के 11 बजने में 15 मिनट हैं। नेक्स्ट आप इसको रीड करें, ये क्या है, बिग हैंड 3 पे है और शॉर्ट हैंड 4 पे है, तो एक क्वार्टर ये आ जाएगा 4:15। इसको 4:15 ओ क्लॉक भी पढ़ेंगे 4:15, या 4:15 के 4:15 हो चुके हैं। इसको पढ़ें, ये 6:15 है, ठीक है, 5:45 ओ क्लॉक और 6:15 ओ क्लॉक के 15 मिनट्स रहते हैं 6 बजने में। अल्लाह ताला हमें कहता है कि तुम अल्लाह का शुक्र गुजारी करो, ईमान ले आओ, तो अल्लाह क्या करेगा तुम्हें अजाब देकर। तो हमें हर हाल में अल्लाह की शुक्रगुजारी करनी चाहिए। उम्मीद है आपको सबक पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।